नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। आज हम आपको एक ऐसी हकीकत दिखाएंगे जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यमुनानगर में एक बेटे की जिद के आगे बाप के 60 लाख रुपए पर पानी फिर गया। दरअसल बेटा चाहता था कि उसका बाप उसे जैगवार कार लेकर दे, जबकि 2 माह पहले ही उसने BMW कार को खरीदा था। बाप ने बेटे की बात नहीं मानी तो आज बेटे ने कार को नहर में बहाने के बाद उसका वीडियो बनाकर अपने पिता को सेंड कर दिया। हालांकि प्रशासन ने कार को निकालने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन पानी के बहाव के आगे बेटे की जिद कामयाब हो गई। एक पानी के टापू पर खड़ी कार काफी दूर से बहकर यहां तक आई है, और कार भी है BMW। और यह कोई हादसा नहीं हुआ, बल्कि एक युवक ने अपनी ही मनमर्जी से इसे नहर में बहा दिया। बता दें कि यमुनानगर के दादूपुर हेड यहाँ पर 3-3 नदियां हैं। सोम नदी, पश्चिमी यमुना नहर और आवर्धन नहर का पानी इकट्ठा होता है वहां। इसलिए कार को बहा दिया कि कार का कुछ भी ना बचे, और यह सिर्फ इसलिए कि जिद के आगे एक बेटे की जीत हो। पुलिस के अनुसार आकाश नामक, जो कि मानसिक रूप से परेशान और जिद्दी किस्म का व्यक्ति है, वह अपने पिता से पिछले कुछ दिनों से जैगवार कार की डिमांड कर रहा था, लेकिन पिता ने यह कह दिया कि अभी कुछ समय पहले ही BMW गाड़ी लेकर दी है। बस यही बात थी कि बेटे ने इस कार को पानी के हवाले कर दिया। हालांकि जब कार को पानी में बहते लोगों ने देखा तो कुछ लोग पानी में कूद भी गए, और पानी के बहाव को देखकर कुछ लोग तो रस्सी के सहारे कार तक पहुंचे और कार का रुख टापू की ओर कर दिया। जैसे ही कार टापू पर रुकी तो कार में चेक किया गया, लेकिन कार में कुछ सामान और पैसे जरूर पानी में तैरते हुए नजर आए, लेकिन कार में कोई नहीं था। बताया जा रहा है कि बेटे ने कार को पानी में बहते समय उसका वीडियो भी बनाया और अपने पिता को सेंड कर दिया कि कार तो गई पानी के हवाले, अब करो नई कार की तैयारी। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी बेटा लग्जरी गाड़ियों का शौकीन था और कारों को समय समय पर बेचता रहता था, जो कि एक पिता को नागुवारा था। जब कार को नहर में बहते हुए की सूचना जब प्रशासन को लगी तो प्रशासन ने आनन फानन में एम्बुलेंस, पुलिस फोर्स आदि को नहर पर भेज दिया, और गोताखोरों की मदद से गाड़ी को निकालने का प्रयास भी शुरू कर दिया गया। नहर से पानी निकालने वाले शटर के सहारे जब कार को निकालना चाहा तो कार शटर के नीचे से महज 1 सेकंड में निकली और उसके परखच्चे उड़ गए। ऐसे में इस कार ने भी उस बेटे का ही साथ दिया और बाप बेटे से इस जीत के आगे हार गया। फिलहाल पुलिस ने बेटे को हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ शुरू कर दी है, और बाप कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सुबह सूचना मिली थी कि एक गाड़ी नहर में गिर गई है। जो मौके पर पुलिस पहुंची तो वहां पे पता चला कि एक लड़का है आकाश नाम का, मुकारमपुर का, जो पता चला कि उसके घरवालों से कि मानसिक तौर से परेशान है, जिसका इलाज भी चल रहा है और थोड़ा जिद्दी टाइप है। घरवालों से जिद कर रहा था, ये गाड़ी छोटी है, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, तो इसलिए वो गाड़ी उसने खुद ही नहर में डाल दी। ये जो गाड़ी है ये कौन सा मार्का है और कौन सी की डिमांड कर रहा था? ये गाड़ी BMW है, और वो शायद जैगवार गाड़ी के लिए कह रहा था, मेरे को जैगवार गाड़ी दिलवा दो। कुछ गेमर्स पहले ये बता रहे कुछ वीडियो बनाई थी अपने पेरेंट्स को भेजी है, कुछ वीडियो का अभी पता नहीं है मुझे, वीडियो तो मिला नहीं है मुझे अभी, वीडियो बनाई या नहीं बनाई उसके बारे में क्या। मेरा लड़का कहाँ पे? लड़का यही है, उसके पेरेंट्स आए थे शायद उनके पास है। जैसे काफ़ी यहाँ पे अमला इकट्ठा हो गया, प्रशासन पूरा है यहाँ पर, जो उचित कानूनी कार्रवाई होगी करेंगे। इसमें धारा 144 यहाँ लगी हुई है, 144 का उल्लंघन तो है ही, बाकी उसमें अगर और भी कोई कार्रवाई बढ़ती होगी तो आज पर कानून वो की जाएगी। गाड़ी वहाँ से बीच में पानी के, जब मैं घर से आया तो वहाँ पानी के बीच में आई, आराम से गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता, जब सब कुछ बिंदा शिस्ता था सब कुछ बिल्कुल ले आता, ये गाड़ी आराम से वहाँ लगी। ये तकरीबन 9:30 की बात है, ये गाड़ी आराम से वहाँ लगी। तो हम ऐसा रहता था कि इसमें ये आदमी है कि वाइपर चल रहे थे, इसके आइडेंटिफिकेटर चल रहे थे, बहम ऐसा रहता कि आदमी है। जब इसके पास वो लड़का कूदा वहाँ से, जहाँ दृश्य का लड़का आया तो आड़ का देखा उसने, उसके अंदर कोई आदमी था, ये कार कार थी बस। तो किसी ने जानबूझ के गिराई है ये कार? ये तो पता नहीं है, जानबूझ के गिराई है, कैसे गिराई है, आड़ तक की मैं गिरी है, जानबूझ के गिरी है तो पता नहीं है। देखो किसी ने, क्यों हमने तो पानी में वहाँ दिया, किनारे पे दिया, किनारे पे यहाँ लगी, ये अगर अपर से आपकी तो जाल में टूटती है, गिरी तो रास्ते में ही आया कहीं से। अभी कितने लोग फंसे हैं यहाँ पे? अभी तो लोग नहीं है सारे, अंदर से तो कोई नहीं है, जिसके अंदर तो कोई नहीं है, अभी ये निकालने वाले आए हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।